हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्विनी गर्ग ऑन बिहाफ ऑफ सूरत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। टुडे आई विल टीच यू क्लास 11 टॉपिक बिजनेस रिस्क। फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसको कंडक्ट करके हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कोई मनी अर्न कर सके। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड बाय ए पर्सन फॉर अर्निंग प्रॉफिट विद रेगुलरिटी इन डीलिंग of buying and selling of goods and services। business क्या है? आपकी एक economic activity है। economic activity का मतलब जिसको money में measure कर रहे हैं। conducted by a person, एक particular businessman होगा वो इसको conduct करता है। उसकी help से ही हम मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करके लाएंगे, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे, फिर मार्केट में सेल कर देंगे फॉर अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कमाने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है वही बिजनेस है। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है वो बिजनेस नहीं होगा। विद रेगुलरिटी इन डीलिंग, और स्पेशल फीचर है कि इसमें रेगुलरिटी होनी चाहिए डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब हम कभी भी बिजनेस करते हैं तो ये जो हमारा बिजनेस है इट इज रिलेटेड विद द फ्यूचर। ये हमेशा हमारा फ्यूचर से रिलेट करता है, और फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। हमें ये नहीं मालूम फ्यूचर में कब क्या हैपन हो जाए, हमें ये नहीं मालूम फ्यूचर में कब एकदम से बारिश आ जाए, कब कोई तूफान आ जाए, या हमारे मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एकदम से डाउन हो जाए। तो एक टाइप से जो आपका रिस्क है वो बिजनेस से रिलेट करता है, क्योंकि बिजनेस हमेशा फ्यूचर से रिलेट करता है और फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। हमें ये नहीं मालूम फ्यूचर में कब क्या चीज हैपन हो जाए, सो इट इज रिलेटेड विद द बिजनेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बिजनेस रिस्क। अब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक डायनामिक एनवायरमेंट में वर्क करता है। डायनामिक एनवायरमेंट चेंजिंग नेचर का, और ये फ्यूचर से रिलेटेड है। फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब पता नहीं कब क्या हैपन हो जाए। आपके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि ह्यूमन की वजह से कोई रिस्क अराइज हो, वो स्ट्राइक कर दे, उनकी वजह से फैक्ट्री पे ताला लग जाए, तो ये आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, हर्डल। ऐसे ही आपका नेचुरल रीजन हो सकता है। नेचुरल में आपका कोई भी तूफान आ जाए, स्ट्रोम आ जाए, बारिश आ जाए, या और भी बहुत सारी चीजें हैं नेचुरल रीजन। ऐसे ही आपके मार्केट से रिलेटेड हो सकता है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक में आपके मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई है। डिमांड एंड सप्लाई की वजह से आपके बिजनेस पे कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। इसके साथ साथ प्राइस ऑफ कंपीटिटिंग फर्म, जो भी आपके कंपीटिटर है उन्होंने फर्म ने प्राइस चेंज कर दिया है, तो ये सारे ऐसे रीजन हैं जो बिजनेस की ग्रोथ में किसी ना किसी टाइप की हर्डल क्रिएट करते हैं। तो किसी भी टाइप का हर्डल क्रिएट करना बिजनेस की ग्रोथ में, परफॉर्मेंस में, वो सब कुछ किसके अंडर आता है? बिजनेस रिस्क के अंडर। तो आपकी प्रॉपर डेफिनेशन बनती है बिजनेस रिस्क क्या है। वो डेफिनेशन है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस इन बिजनेस बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी।
मीन्स आपका जो बिजनेस रिस्क है वो एक ऐसा है, रेफर टू द पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी का मतलब है किसी भी टाइप की कोई भी हमारी संभावना है, हम एक्यूरेट नहीं कह सकते, पता नहीं कब हैपन हो जाए, अनसर्टेन कह सकते। इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इसकी वजह से हमें सफिशियंट प्रॉफिट से ज्यादा भी प्रॉफिट हो सकता है, तो वो हमारे लिए इनएडिक्वेट प्रॉफिट होगा। इवन लॉसेज, ये जरूरी नहीं है उस पॉसिबिलिटी से सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, हमारे पास लॉसेज भी हो सकते हैं, हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भी सहना पड़ सकता है बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी हमेशा फ्यूचर से रिलेटेड है, फ्यूचर में पता नहीं कब क्या हैपन हो जाए, किस टाइप का क्या चेंजमेंट हो। अभी एग्जाम्पल दिया था जैसे स्ट्राइक, लुकआउट या फिर स्ट्रॉम, बाढ़ आ जाए, बारिश हो जाए, कोई भी रीजन हो सकता है अनसर्टेनिटी में, जिससे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे किसी भी टाइप की पॉसिबिलिटीज अराइज हो कि बिजनेस को प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। इसमें दोनों चांस ही हैं, प्रॉफिट के होने के भी और लॉस के भी, उसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट इज द रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क जो है वो हमारी अनसर्टेनिटी का रिजल्ट है। रिस्क इज अनअवॉइडेबल, रिस्क जो है वो हमारे लिए अनअवॉइडेबल है। डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। आपका जो रिस्क है वो साइज पर डिपेंड करता है कि बिजनेस का साइज कैसा है। प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग। रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। दीज ऑल आर द नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। फर्स्ट वन इज रिस्क इज रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, सेकेंड वन इज रिस्क इज अनअवॉइडेबल, थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क वेरी विद द साइज ऑफ बिजनेस, फोर्थ वन इज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, एंड लास्ट वन इज रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। ये आपके बिजनेस की फीचर्स हैं। नेचर को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स भी बोल सकते हैं और इनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो एक टाइप से कभी भी आपसे फीचर्स ऑफ बिजनेस रिस्क पूछा जाए, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस रिस्क पूछा जाए, तो उस केस में आपको यही चीजें एक्सप्लेन करनी है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी, रिस्क इज अनअवॉइडेबल, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीड विद द साइज ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग, एंड रिस्क डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। नाउ आई विल एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स वन बाय वन। फर्स्ट फीचर, रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब कुछ भी सर्टेन नहीं है, नो फिक्स एनीथिंग, बिकॉज बिजनेस इज रिलेटेड टू फ्यूचर एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हमारा जो बिजनेस है वो फ्यूचर से रिलेटेड है और फ्यूचर ही हमेशा बिजनेस का हमेशा अनसर्टेन है, पता नहीं कब क्या हैपन हो जाए। और मेनली जो रिस्क है वो रिजल्ट है अनसर्टेनिटी का। तो बिजनेस में जो अनसर्टेनिटी है वो किसी भी रीजन से हो सकती है, ह्यूमन की वजह से हो सकती है, आपके इकोनॉमिकल कॉजेस की वजह से हो सकती है, नेचुरल कॉजेस की वजह से हो सकती है।
तो कोई भी रीजन हो सकता है आपके बिजनेस के रिस्क को अराइज करने के लिए, ह्यूमन कॉजेज हो सकता है, इकोनॉमिक कॉजेज हो सकता है या नेचुरल कॉजेज हो सकता है। एक टाइम से अगर ह्यूमन कॉजेज की बात की जाए, अगर ह्यूमन कॉजेज स्ट्राइक करने बैठ जाए या वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे ताला लगवा दे या उसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर दी, चोरी कर दी, तो ये सभी आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रिस्क अराइज करेंगे। तो रिस्क जो है वो रिजल्ट है अनसर्टेनिटी। हमने एज एग्जांपल ह्यूमन का लिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस टाइप के एम्प्लॉइज काम करते हैं, वर्कर काम करते हैं, मैनेजर काम करते हैं, उनका ये नहीं पता कब वो कौन से डिसीजन से, कौन सी एक्टिविटी से डिसेटिस्फाई हो जाए, तो उस वजह से वो अपनी डिसेटिस्फेक्शन को शो करने के लिए स्ट्राइक कर देंगे। स्ट्राइक कर देंगे तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा तो उस पर ताला लगाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट में इस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है। ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉयज हो सकते हैं जो आपके मनी को चुरा के ले जाए या आपके प्रोडक्ट को चुरा के ले जाए। तो ये सब कुछ अनसर्टेनिटी है। रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी बिकॉज फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन एंड बिजनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू द फ्यूचर एंड दीज आर द रिस्क विच आर अराइज ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिकल कॉजेज एज वेल एज द नेचुरल कॉजेज। इफ एनी टाइप ऑफ द नेचुरल रीजन, स्टॉर्म, रेन, इट विल नेगेटिव इफेक्ट ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। सो रिस्क इज द रिजल्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ द सेकेंड फीचर ऑफ द रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। रिस्क की सेकेंड फीचर है कि रिस्क जो है वो अनअवॉइडेबल है। अनअवॉइडेबल का मतलब आपका जो रिस्क है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। वी ऑलवेज फेस द अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी वो हमें फेस करनी ही पड़ेगी। तो रिस्क इज अनअवॉइडेबल। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी रिस्क आ जाए, हो सकता है कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो एकदम से डिमांड डिक्रीज हो जाए ड्यू टू द प्राइस ऑफ कंपीटिटिंग फर्म। जो भी आपकी कंपीटिटिंग फर्म है उसने एकदम से अपने प्राइस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। जैसे ही इसने प्राइस को डिक्रीज किया आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो रिस्क जो है उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, बट हम इस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे मिनिमाइज किया जाएगा, हमारे जो कंपीटिटर ने मार्केट में प्रोडक्ट के प्राइस को डिक्रीज किया है तो हम भी क्या करें, हमारे प्रोडक्ट का प्राइस क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, या फिर हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दें, बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा जो रिस्क था ड्यू टू द कंपीटिटर, हम अपने उस कंपटीशन की वजह से उस रिस्क को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। हाँ, रिस्क अवॉइड नहीं होगा, वो फेस तो करना पड़ेगा, बट हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इट इज द सेकंड फीचर ऑफ द रिस्क। रिस्क इज अनअवॉइडेबल। नाउ द थर्ड वन इज डिग्री ऑफ रिस्क वैरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस। कि आपकी जो रिस्क की डिग्री है वो हमेशा साइज ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ही वेरी करती है, अलग अलग करती है। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज या तो लार्ज स्केल पर हो सकता है या फिर स्मॉल स्केल पर। अगर बिजनेस स्मॉल स्केल पर है या फिर लार्ज स्केल पर, उसके बेस पर ही बिजनेस में रिस्क की जो है वो सर्टेनिटी बनेगी कि रिस्क आपका ज्यादा होगा या कम। अगर कभी भी हम बिजनेस को लार्ज स्केल पर कर रहे हैं तो इसमें हमें इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा चाहिएगी, हमें लेबर भी ज्यादा चाहिए और मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड भी हमारी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब लार्ज स्केल पर बिजनेस किए जाते हैं तो इस चीज से रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटी है वो हमें नहीं मालूम क्या कुछ हैपन होने वाला। तो कोई भी बिजनेस अगर लार्ज स्केल पर किया जा रहा है तो वहां पर रिस्क जो होगा वो ज्यादा होगा बिकॉज व्हेन द साइज ऑफ द बिजनेस इज लार्ज वी रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट, मोर लेबर, मोर सेल्स वॉल्यूम एज वेल एज मोर रॉ मेटीरियल। सो देर इज अ मोर चांसेज ऑफ द अनसर्टेनिटी एंड इट विल नेगेटिव इफेक्ट ऑन अवर बिजनेस।
सो लार्ज स्केल बिजनेस में रिस्क क्या होगा? ज्यादा. बट इन स्मॉल स्केल बिजनेस वी रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट, लेस लेबर, लेस सेल्स वॉल्यूम, मीन्स लेस अमाउंट ऑफ रॉ मेटीरियल. सो इन द कंपेरिजन ऑफ द लार्ज स्केल बिजनेस, इन स्मॉल स्केल बिजनेस द रिस्क, द अमाउंट ऑफ रिस्क इज लेस. जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल होगा हमें रिस्क कम होगा, और जैसे जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके रिस्क की अमाउंट भी इंक्रीज होगी. तो रिस्क, डिग्री ऑफ रिस्क वेरीज विद द साइज ऑफ बिजनेस. अगर आपका बिजनेस लार्ज स्केल पर है तो हमारा रिस्क ज्यादा होगा, और अगर हमारा बिजनेस स्मॉल स्केल पर है तो रिस्क कम होगा. इट इज द थर्ड फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क. नाउ द फोर्थ वन इज प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. ये इसकी फोर्थ फीचर है कि आपका जो बिजनेस रिस्क है उसमें प्रॉफिट क्या होता है, कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. कभी भी कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना है. कभी भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है. अगर कोई बिजनेस प्रॉफिट अर्न करना नहीं चाहता तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा. इट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. तो प्रॉफिट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द रिस्क. व्हाई? बिकॉज इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन देयर इज मोर रिस्क देन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अगर हमारा बिजनेस रिस्क जो है वो ज्यादा है तो उतनी ही ज्यादा हमारी पॉसिबिलिटी होगी प्रॉफिट कमाने की. अगर रिस्क कम है तो हमारे पास पॉसिबिलिटी भी क्या होगी प्रॉफिट अर्न करने की, कम होगी. अब रिस्क ज्यादा है तो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रखी है, मनी इन्वेस्ट ज्यादा कर रखी है, तो लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन किया होगा. और उस केस में हमने ज्यादा रिस्क लिया है तो एकदम से हमने मार्केट में जैसे ही अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से इंक्रीज हो गई, तो हमारे पास ज्यादा चांसेस है कि हमारे प्रॉफिट हो जाएंगे. और ऐसे ही अगर कम चांसेस है, अगर हमने कम इन्वेस्टमेंट की है, रिस्क कम है, तो वहां पर प्रॉफिट के भी कम चांसेस होंगे. तो रिस्क जो है वो हमेशा डायरेक्टली रिलेट करता है आपके रिटर्न के साथ. ये माना जाता है कि जितना ज्यादा रिस्क होगा उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, रिटर्न होगी. तो प्रॉफिट इज द कंसिडरेशन ऑफ रिस्क टेकिंग. अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो प्रॉफिट तो होने की दूर की बात है. इसलिए ये माना जाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितना ज्यादा आप प्रॉफिट ले सकते हो, जितना ज्यादा आप रिस्क ले सकते हो, जितनी ज्यादा आपके अंदर कैपेसिटी है रिस्क को फेस करने की, तो उतने ही ज्यादा आपके पास पॉसिबिलिटीज बन जाएगी प्रॉफिट अर्निंग की. तो रिस्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रॉफिट. इफ वी टेक मोर रिस्क देन देयर इज मोर पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. इट इज द फोर्थ फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क. नाउ द लास्ट फीचर ऑफ द बिजनेस रिस्क इज रिस्क डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस. रिस्क जो है वो आपका डिपेंड करता है किस पे, नेचर ऑफ बिजनेस पे. अब बिजनेस की नेचर की बात की जाए तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपके अलग अलग नेचर का हो सकता है. जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग नेचर का बिजनेस हो सकता है या फिर ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस हो सकता है. मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया और उस रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फिनिश गुड्स में, तो उसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब है कि फिनिश गुड्स को खरीदा और उसी को मार्केट में क्या कर दिया, सेल कर दिया. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स कम्स अंडर द ट्रेडिंग. एंड द कन्वर्जन ऑफ द रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीनरी कम्स अंडर द मैन्युफैक्चरिंग. तो आपकी सिंपल सी बात है, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है वहां पर हमारी फिक्स्ड एसेट भी ज्यादा लगी होगी. तो इसका मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रिस्क क्या होगा, ज्यादा होगा, और ट्रेडिंग बिजनेस है तो रिस्क क्या होगा, कम. क्योंकि हमने क्या किया है, हमें वो प्रोडक्ट मार्केट से परचेज करेंगे जिसकी डिमांड है, तो हम उसको परचेज करके मार्केट में सेल कर देंगे, तो रिस्क कम. या हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, हमें ये नहीं मालूम कि हम जिस चीज का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं मार्केट में उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी. एट प्रेजेंट तो मार्केट में डिमांड ज्यादा है लेकिन कस्टमर के टेस्ट का पता नहीं कब चेंज हो जाए,
तो इसलिए यहाँ रिस्क ज्यादा है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में और ट्रेडिंग में रिस्क क्या है कम है। ऐसे ही कोई बिजनेस अगर डेली यूज की आइटम का है, जो भी हम डेली बेसिस पर आइटम यूज करते हैं, वहां पर रिस्क क्या होगा कम होगा, क्योंकि डेली यूज की आइटम को कोई भी पर्टिकुलर पर्सन परचेज करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी जीने के लिए जरूरी है। जैसे फूड खाने के लिए आइटम्स हैं, वो सारी चीज़ें उसे खरीदनी पड़ेगी, साल्ट है, शुगर है, आटा है, वो सब कुछ उसे खरीदना पड़ेगा। ऐसे ही कोई प्रोडक्ट है जैसे गारमेंट्स का शॉप मान लेते हैं, तो गारमेंट्स के शॉप के अंदर सबसे मेन फैशन होता है। अब एकदम से फैशन चेंज हो जाए तो वहां पर रिस्क जो है वो एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि कस्टमर फैशन के चेंज होते ही आपके उस गारमेंट्स के उस पर्टिकुलर क्लॉथ को परचेज करना बंद कर देंगे और हमारे बिजनेस के पास बहुत ज्यादा स्टॉक हो जाएगा। तो जो आपका रिस्क है वो नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर बिजनेस का नेचर आपका जो ऐसा है डेली बेसिस का है तो वहाँ रिस्क कम है, और अगर आपका बिजनेस ऐसा है गारमेंट्स का है जहाँ पर फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, वहाँ पर रिस्क ज्यादा होने की चांसेस है। तो फ्रेंड्स, टुडे आई डिस्कस अबाउट द बिजनेस रिस्क एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस रिस्क। आई होप इट्स क्लियर टू यू। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।